पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन कीजिए अथवा भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित संस्थाओं को संक्षिप्त में लिखिए अथवा भारत की पर्यावरणीय संस्थाओं के बारे में जानकारी दीजिए। पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान। भारतीय सभ्यता के आरंभ से ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जागरूकता लोगों में मौजूद थी। वैदिक एवं वैदिक काल के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है, लेकिन आधुनिक काल में विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद आर्थिक प्रगति को उच्च प्राथमिकता मिलने के कारण पर्यावरण कुछ कम महत्वपूर्ण स्थान पर रह गया। केवल 1972 में पर्यावरणीय योजना एवं सहयोग के लिए राष्ट्रीय कमेटी नेशनल कमेटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट NCEPC के गठन के लिए कदम उठाए गए, जो धीरे धीरे पर्यावरण का अलग विभाग बना और 1985 में यह पूर्ण रूप से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हुआ। शुरुआत में भारत के संविधान में पर्यावरण को बढ़ावा देने या उसके संरक्षण के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं थे, लेकिन 1977 में हुए 42वें संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जोड़ी गईं जो सरकार पर एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपती है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण की प्रगति आदि के नियंत्रण के लिए हमारे देश की सरकार की भूमिका काफ़ी आलोचनात्मक है। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकारों तथा सिविल सोसाइटी द्वारा कई पर्यावरण संबंधी संस्थाएं एवं संगठन स्थापित किए गए हैं। कोई भी पर्यावरणीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो पर्यावरण को किसी प्रकार के दुरुपयोग तथा अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षित करता है। साथ ही ये संगठन पर्यावरण की देखभाल तथा विश्लेषण भी करते हैं एवं इन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रकोष्ठ भी बनाते हैं। पर्यावरणीय संगठन सरकारी संगठन हो सकते हैं और गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं या एक चैरिटी अथवा ट्रस्ट भी हो सकते हैं। पर्यावरणीय संगठन वैश्विक, राष्ट्रीय या स्थानीय हो सकते हैं। ये संगठन सरकारी हो या सरकार के बाहर के, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण तथा विकास के लिए कार्य करते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय MOEF देश में पर्यावरण एवं वन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना बनाते हैं, उनका प्रचार करते हैं, समन्वय करने के लिए केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक तंत्र की में एक नोडल एजेंसी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF। इस मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मुख्य गतिविधियां भारत के वनस्पति तथा जीव जंतुओं के संरक्षण एवं सर्वेक्षण, वनों एवं बीहड़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण, वन रोपण को बढ़ावा तथा भूमि अतिक्रमण को कम करना सम्मिलित है। यह भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क्स के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके इस्तेमाल होने वाले मुख्य साधन सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण, पुनरुत्पादन कार्यक्रम, संगठनों का निर्माण, समाधान खोजने के लिए शोध एवं आवश्यक मानव शक्ति को कार्य करने के लिए प्रशिक्षण, पर्यावरणीय सूचना का संग्रह एवं वितरण तथा देश की जनसंख्या के सभी भागों में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना है। यह मंत्रालय यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के लिए भी नोडल एजेंसी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल कानून प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण के तहत हुआ था। इसके अलावा CPCB को वायु कानून प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण 1981 के तहत क्षमता एवं कार्यभार भी सौंपे गए हैं। यह 1986 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कानून के प्रयोजनों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता है एवं इसके लिए क्षेत्र निर्माण भी करता है। CPCB के मुख्य कार्य, जैसा कि 1974 के जल कानून प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण तथा 1981 के वायु कानून प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण में बताया गया, पहला राज्यों के विभिन्न विभागों में
राज्यों के विभिन्न भागों में जल धाराओं तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना, जिसमें जल प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण और कटौती शामिल हो। दूसरा, देश में वायु प्रदूषण का नियंत्रण, निवारण तथा कटौती के साथ साथ वायु की गुणवत्ता का विकास करना। वायु गुणवत्ता का ध्यान रखना वायु गुणवत्ता के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत की संसद ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जल कानून प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण 1974 इसलिए बनाया ताकि हमारे जल भंडारों की स्वास्थ्य वर्धक क्षमता को सुरक्षित रखा जा सके। CPCB का एक मत ये है कि जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी तथा सांख्यिकी आंकड़ों को संग्रह करो, उन्हें मिलाओ, फिर उनका प्रसार करो। अतः जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग WQM एवं निगरानी दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय मानकों की गुणवत्ता की आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ पर्यावरण की शर्तों को पूरा करने के लिए बनाए गए घरेलू एवं उपभोक्ता उत्पादों के लिए पर्यावरण मित्र उत्पाद के लेबल की योजना काफ़ी प्रभावी हो रही है। इस योजना को इकोमार्क स्कीम ऑफ इंडिया कहा जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अम्ब्रेला एक्ट कौन सा है, EPA, पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट 1986 ने पहले के सभी प्रयोजनों को और मजबूती प्रदान की है। देश में औद्योगिक वाहन संबंधी तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए। भारत में राज्यों की अपनी स्वयं कोई पर्यावरण नीति नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई नीतियों को ही अपनाते हैं। बस इसमें उस राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन कर लिए जाते हैं। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर दिशा निर्देश देती रहती है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, वानिकी शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह देहरादून में स्थित है। संस्थान 1906 में स्थापित किया गया था और लगभग 450 हेक्टेयर के एक बड़े क्षेत्र में है। यह अपने प्रकार का सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। मई 1982 में स्थापित किया गया था इसे। WII ने जैव विविधता, लुप्त प्राय प्रजाति, वन्यजीव नीति, वन्यजीव प्रबंधन, वन्यजीव फॉरेंसिक, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावास पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे अध्ययनों के क्षेत्र में वन्यजीव अनुसंधान संस्थान इसको बनाया गया है। भारतीय वन प्रबंधन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन एक क्षेत्रीय प्रबंधन संस्थान है जो लगातार वन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों के प्रबंधकों के लिए उपयोगी ज्ञान विकसित करने का प्रयास करता है। यह इस तरह के ज्ञान के का प्रसार करता है जो व्यक्ति और संगठनों द्वारा इसके आवेदन को बढ़ावा देता है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 13 फरवरी 1890 को स्थापित BSI किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए इसको स्थापित किया गया, जो भारत में पौधों के संसाधनों, वनस्पतियों और लुप्तप्राय प्रजातियों के सर्वेक्षण, अनुसंधान और संरक्षण के लिए है, जिसमें वनस्पतियों का संग्रह और रखरखाव करना शामिल है। और लुप्तप्राय, पेटेंट और कमजोर पौधों की प्रजातियों का जीन बैंक भी यहाँ पर बनाया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1960 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राणी विज्ञान में प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में की गई और देश में जीवों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन के हेतु भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वन्य जीवों के लिए भारतीय बोर्ड, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देश में IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक अहम सलाहकार संस्था है एवं इसके अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। IBWL का पुनर्गठन 7 दिसंबर 2001 से प्रभावकारी हुआ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम कर रहा है।
इसे पहले विश्व वन्य जीव कोष का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम है। भारत के अग्रणी संरक्षण संगठनों में से एक है ये। 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित WWF इंडिया पर्यावरण के संरक्षण और अन्य संरक्षण के लिए कई गतिविधियों में लगा हुआ है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं को बहुत महत्व दिया जा रहा है तथा स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में जनमानस में इस विषय के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं को समझने तथा इनके समाधान के लिए संपूर्ण विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का भी इस दिशा में विस्तार हुआ है। पर्यावरण शोध संरक्षण चेतना एवं अवबोध की दिशा में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कार्यशील हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 तक हुआ था। मानवीय पर्यावरण के विश्व स्तर पर संरक्षण तथा नियंत्रण की समस्याओं को हल करने के लिए यह प्रथम प्रयास था। इससे पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ध्यान केंद्रित हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन के मुख्य योगदान निम्नलिखित हैं। मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना, संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा का प्रस्ताव, आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर रोक का प्रस्ताव, दूसरा सम्मेलन बुलाए जाने का प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही हेतु संस्थितियों को सरकारों को प्रेषित करने के संबंध में निर्णय। उपर्युक्त सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का जून 1972 में शुभारंभ हुआ। इसमें 58 देश सम्मिलित हुए। इसका कार्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय समय पर पर्यावरण पर आयोजित सभाओं, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के प्रस्तावों को व्यवहारिक रूप देना है। इसने 1977 में नैरोबी शहर में मरुस्थलीकरण पर आयोजित गोष्ठी की संस्तुतियों का कार्यान्वयन किया था। क्या नाम था उसका? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मानव बस्तियां, मानव स्वास्थ्य तथा आवास, पर्यावरण तंत्र, पर्यावरण तथा उनका विकास, समुद्र और प्राकृतिक आपदाएँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता के जीवी आधार तथा मानव कल्याण से संबंधित शोध करना है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1964 में वैज्ञानिक संघ के अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा किया गया। उत्पादकता के जीवी आधार तथा मानव कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के लिए इसके 7 अनुभाग हैं। आधुनिक समाज की चुनौतियों से संबंधित समिति, कमेटी ऑन द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड CCMS। इस समिति की स्थापना नाटो सदस्य राष्ट्रों द्वारा 1969 में मानव पर्यावरण संबंधी समस्याओं के अध्ययन के उद्देश्य से की गई। यह समिति निम्नांकित विषयों पर निगरानी मॉनिटरिंग रखती है: हानिकारक अपशिष्टों का निस्तारण, तटवर्ती जल प्रदूषण, अंतःस्थलीय जल, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल के शोधन की आधुनिक तकनीकी, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन। इस आयोग का गठन यूरोप तथा उत्तरी अमेरिकी सोवियत संघ इत्यादि द्वारा 1971 में किया गया। यूनेस्को का मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। मनुष्य एवं जीव मंडल, मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम का प्रारंभ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1970 में किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं का प्रबंध करना था। यह कार्यक्रम मानव पर्यावरण संबंधों के पारिस्थितिकी उपागम पर आधारित है।
यह कार्यक्रम जीव मंडल के पारिस्थितिकी संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग एवं संरक्षण हेतु समुचित उपायों की खोज करता है। यह मनुष्य तथा वातावरण के मध्य विश्व स्तरीय सुधार करने की दिशा में प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीव मंडल कार्यक्रम इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोलॉजिकल प्रोग्राम IGBP, इसकी स्थापना 1986 में की गई, संपूर्ण पृथ्वी तंत्र को संतुलित करने में भौतिक, रासायनिक और जैव प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया को समझना तथा वर्णित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके द्वारा विश्व पर्यावरण प्रबंधन के लिए निर्णयकर्ताओं के लिए सूचना एकत्रित की गई हैं। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित परियोजनाएं अंतर्निहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी वायुमंडलीय रसायन परियोजना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, अंतःक्रिया तथा जैव मंडल, विश्वव्यापी संयुक्त सागरीय परिवर्तन अध्ययन, विश्वव्यापी सागरीय सुप्रकाशीय क्षेत्रों का अध्ययन, तटीय क्षेत्र में भूमि सागर अंतःक्रिया का अध्ययन, जलीय चक्र के जैव मंडली पक्ष का अध्ययन, पार्थिव परितंत्र एवं विश्वव्यापी परिवर्तन का अध्ययन, पूर्व के विश्वव्यापी परिवर्तन। पृथ्वी सम्मेलन 1992, 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के कार्यक्रमों का विश्वव्यापी रूपरेखा बनाने के लिए 3 से 14 जून 1992 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 का नाम दिया गया। इस महासम्मेलन में पर्यावरण से संबद्ध विविध समस्याओं पर विचार हुआ। रियो पृथ्वी सम्मेलन 21वीं शताब्दी के भविष्य का पर्यावरणीय ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन न केवल विश्व की सरकारों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के सामान्य नागरिकों में भी पर्यावरण चेतना जगाई, उनके विचारों को नई दिशा देते हुए पर्यावरण के प्रति सोचने को विवश किया। प्राकृतिक विनाश पर विश्व सम्मेलन योकोहामा, जापान में 23 से 27 मई 1994 तक प्राकृतिक विनाश न्यूनता पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सुरक्षित विश्व के लिए योजना स्वीकार की गई, प्राकृतिक विनाश को रोकने, उसके लिए तैयार करने तथा उसे न्यून करने हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। इस सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राकृतिक विनाश तथा उसे कम करने के लिए गरीबी उन्मूलन तथा पोषणीय विकास से सुसंगत पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकता है। क्योटो सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्योटो सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा। यह सितंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि को नियंत्रित करना था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया। रियो शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसमें 172 सरकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 108 सरकारों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। लगभग 2400 प्रतिनिधि गैर सरकारी संस्थाओं NGO के तथा 17,000 लोग शामिल थे। इस सम्मेलन में निम्न मुद्दों को शामिल किया गया, उत्पादन का सुनियोजित तरीका, खासकर हानिकारक पदार्थों जैसे गैसोलीन में उपस्थित लेड, जहरीला कचरा जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जीवाश्म ईंधन का विकल्प। दूसरा तरीका क्या था? आम यातायात के साधनों का विकास करना, जिससे वाहनों से निष्कासित प्रदूषण में कमी हो, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण से होने वाले प्रभाव। तीसरा मुद्दा था जल का सदुपयोग। इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि जलवायु परिवर्तन का समझौता रहा, जो क्योटो प्रोटोकॉल में परिवर्तित हुआ। एक अन्य उपलब्धि इस प्रकार के कार्य न करना जिससे पर्यावरण क्षय हो और जो नैतिकता से परे हो। इस सम्मेलन द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के द्वार खुले तथा मापन पुनः परिभाषित किए गए, जिससे जैव विविधता का भय न हो। इस सम्मेलन में स्थानीय सरकारों द्वारा 12 शहरों को उनके पर्यावरण कार्यक्रम हेतु सम्मानित किया गया। इसमें सुडबरी, कनाडा का सडबरी कहते हैं इसको, इसको खनन द्वारा हुए पर्यावरण क्षय को पुनः स्थापित करने हेतु सम्मानित किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स का ऑस्टिन, US का ऑस्टिन, इसको हरित भवन ग्रीन हाउस तकनीकी हेतु सम्मानित किया गया। जापान का किटाक्यूसू, इसको अपशिष्ट पदार्थों हेतु शिक्षण एवं कार्यक्रम हेतु सम्मानित किया गया, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इस सम्मेलन में 3 दस्तावेज प्रमाणित हुए, पर्यावरण तथा विकास पर रियो निर्णय, एजेंडा 21, वन सिद्धांत, साथ ही 2 वैधानिक समझौते हस्ताक्षर हेतु प्रस्तावित हुए, जैव विविधता का संरक्षण,
जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यक्रम UNFCCC, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी प्लस फाइव सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुए समझौतों की समीक्षा हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में 23 से 27 जून 1997 को एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी प्लस पाँच सम्मेलन कहा गया। पृथ्वी सम्मेलन में हुए समझौते की समीक्षा हेतु एक कमीशन CSD द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गठन किया गया तथा यह निश्चित किया गया कि 5 वर्ष पश्चात 1997 में एक विशेष सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मॉन्ट्रियल समझौता मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हेतु आमंत्रित हुआ और 1 जनवरी 1989 में प्रभाव में आया। इससे संबंधित प्रथम बैठक मई 1989 में हेलेंस्की हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? स्वीडन स्टॉकहोम हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। इससे संबंधित प्रथम बैठक मई 1989 में हेलेंस्की में आयोजित की गई। इसे 7 बार पुनः प्रकाशित किया गया जो इस प्रकार है 1990 में लंदन में, 1991 में नैरोबी में, 1992 में कोपेनहेगन में, 1993 में बैंकॉक में, 1995 में वियना में, 1997 में मॉन्ट्रियल में, 1999 में बीजिंग में 1999 बीजिंग। इस समझौते में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मिथाइल ब्रोमाइड के उत्पादन को पूर्णतः सन 2015 तक बंद करने हेतु लागू किया गया। इसमें 2050 तक ओजोन परत की क्षतिपूर्ति करने हेतु समझौता किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल या ग्लोबल वार्मिंग प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस परियोजना कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और FCCC है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग विश्व ताप वृद्धि से लड़ना है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में सांद्रता स्तर कम करना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया तथा 16 फरवरी 2005 से यह प्रभाव में आया। सितंबर 2011 तक 191 राज्यों व राष्ट्रों से इसे हस्ताक्षरित किया गया और इसके मापदंड तय किए गए। इसे 83 राष्ट्रों ने हस्ताक्षरित किया। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत 23 देशों ने यह विश्वास जताया कि वे 4 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्तर कम करेंगे। पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन या रियो प्लस 10 सम्मेलन या सतत पोषणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक सतत पोषणीय विकास पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पोषणीय विकास पर बहस की गई। चूंकि यह रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के 10 साल बाद हुआ था अतः इसे रियो प्लस 10 सम्मेलन भी कहा गया। इसमें जो निर्णय पारित हुए उसे जोहान्सबर्ग निर्णय कहा गया। इसके अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हुए। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 100 देशों के 4000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि 2020 तक उन समस्त उत्पादों को कम कर दिया जाएगा जो पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।